बायोएलपी.कॉम। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल बायोएलपी.कॉम पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पनकी में एक ड्यूप्लेक्स जो कि 15x60 का है, और वो ड्यूप्लेक्स आपके सामने मैं आपको दिखाऊं कैमरे में, ये आपको सामने दिख रहा होगा। ये दो ड्यूप्लेक्स बन रहे हैं 15x60 के, और ये डबल स्टोरी बना हुआ है, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है। पनकी एरिया में हम खड़े हैं, पनकी का बहुत ही अच्छा लोकेशन है, शांतिपूर्ण एरिया है। जैसे आप लोकेशन आसपास देख रहे होंगे, ये भी एक रोड है, और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी एक रोड है। दो तीन तरफ से इसमें रोडें आपको मिल जाती हैं आने जाने के लिए। बहुत खूबसूरत शांत एरिया है, और ये आपको अंदर लेकर के चलता हूँ ड्यूप्लेक्स में। अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, अंदर कैसा बना हुआ है, वो सारा टूर हम आपको देते हैं। तो आइए चलते हैं हम अंदर प्रॉपर्टी की तरफ, अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। आइए चलते हैं अंदर। ये है यहाँ का एंट्रेंस, ये हम एंट्रेंस में आ गए। ये आपको एरिया मिल जाता है पार्किंग एरिया, जहाँ पे हम खड़े हैं। अच्छी खासी गाड़ी, कोई बड़ी भी गाड़ी है तो आपकी आसानी से यहाँ पे खड़ी हो सकती है। ये पूरा यहाँ का लुक है। यहाँ पे आपको समरसिबल मिल जाता है, ये समरसिबल का कनेक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये समरसिबल का कनेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। आइए मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों, ये हम आ गए प्रॉपर्टी के अंदर। आप जैसे यहाँ पे अंदर का लुक देख रहे होंगे, ये आपको वॉल पेंट वगैरह दिख रहा है, खूबसूरत वॉल पेंटिंग है यहाँ पे। ऊपर फॉल सीलिंग है, ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क पूरा आपको दिख रहा होगा, कंप्लीट फॉल सीलिंग का इसमें वर्क है। फिर मैं आपको यहाँ के पैसेज से आगे की चीजें मैं दिखाता हूँ। आइए चलते हैं आगे। हॉल एरिया से जब हम आगे आते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है किचन। इस तरीके का प्लेटफॉर्म यहाँ पे लगा हुआ है पत्थर के साथ, भी आपको पूरा कंप्लीट किचन मिल जाता है। ऊपर भी इसमें लाइटिंग आपको की हुई है, वो आपको दिख रही है। उसके बाद हम वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉशरूम, और इस वॉशरूम में आपको एक डाइवर्टर, थ्री वे डाइवर्टर भी मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पैरी वेयर के, इसमें बाथ वेयर लगे हुए हैं। थ्री वे डाइवर्टर जो कि आपको हर प्रॉपर्टी में नहीं मिलता, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो डाइवर्टर भी लगा हुआ है शावर के साथ, ये आपके टाइल्स के साथ पूरा कंप्लीट है। उसके बाद हम आते हैं, ये आपको बेडरूम दिखाता हूं मैं। ये है यहाँ का बेडरूम। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ओपन स्पेस दिया हुआ है। ये ओपन स्पेस है ताकि आपको यहाँ से अच्छी हवा वगैरह मिलती रहे, ये सारे रूम में आपको स्पेस मिल जाता है। फिर चलते हैं हम और आगे, और हम आ जाते हैं यहाँ के मास्टर बेडरूम में, जो कि काफी बड़ा होने वाला है। ये मास्टर बेडरूम जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, ये आपका ऊपर जो छत पे वर्क हुआ है वो आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है। वो जो पहला वॉशरूम मैंने आपको दिखाया था वो इंडियन स्टाइल में था, और ये आपका वेस्टर्न स्टाइल में है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं आपको डाइवर्टर लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपको इस वॉशरूम में मिल जाता है, आप इसका पूरा लुक देख सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है एक एक्स्ट्रा स्पेस यूटिलिटी एरिया, जिसका आप वॉशिंग एरिया की तरह भी आप इस जगह को यूज कर सकते हैं। ऊपर उसमें डक्ट है, ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है। अब दोस्तों, जैसा ये नीचे बना हुआ है इसी तरीके का सेम पैटर्न ऊपर बना हुआ है, तो आइए हम आपको ऊपर लेकर के चलते हैं। यानी कि ये 15x60 का है टोटल प्रॉपर्टी, और 15x60 का नीचे कंस्ट्रक्शन है और इतना ही कंस्ट्रक्शन आपका ऊपर वाले एरिया में भी है। तो आइए हम चलते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं, फिर आपको मिलता है एक बड़ा बालकनी एरिया। ये काफी बड़ी बालकनी है, ये आपको जगह यहाँ पे दिख रही होगी, और ये सामने की रोड है। तो दोस्तों, हम आ गए सेकंड फ्लोर पे, जैसा नीचे बना है वैसे ही ऊपर भी सेकंड फ्लोर पे बना। आइए चलते हैं अंदर। ये हम आ गए अंदर सेकंड फ्लोर पे, हम आ गए हैं, ये हम हॉल एरिया में खड़े हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
यहाँ पे भी आपको प्रॉपर वॉल पेंटिंग और आपका वॉल सीलिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट वर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद जैसा नीचे किचन था वैसे ही आपको ऊपर भी एक किचन मिल जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा है सामने किचन। ऊपर की लाइटिंग, उसके बाद फिर ये आपको वॉशरूम, वेस्टर्न स्टाइल में है ये सामने वॉशरूम। अगेन आपका डाइवर्टर इसमें आपको मिल जाता है सामने। पेरीवियर का पूरा इसमें बाथ वेयर लगा हुआ है। जो भी टाइल्स का उपयोग है वो कजारिया का है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बेडरूम में, जो ऊपर के एरिया में है। ये हम बेडरूम एरिया में खड़े हुए हैं। ये अगेन आपका यहाँ पे ओपन स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ से। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं यहाँ के ऊपर वाले पोर्शन के मास्टर बेडरूम एरिया में। ये हम आ जाते हैं मास्टर बेडरूम एरिया है ये। ये वॉशरूम का एरिया, यानी कि इसमें टोटल चार वॉशरूम है, तीन आपके वेस्टर्न है और एक वॉशरूम आपका इंडियन स्टाइल में है। फिर यहाँ पे अगेन आपको एक यूटिलिटी एरिया मिल जाता है ओपन स्पेस के साथ, ओपन स्काई स्पेस आपको मिल जाता है। एक्स्ट्रा यूटिलिटी एरिया आप इसको यूज कर सकते हैं, वॉशिंग एरिया की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आइए आपको कुछ और दिखाता हूँ मैं बाहर से। चलते हैं ऊपर छत पे, स्टेयर्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं इस प्रॉपर्टी की छत पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दो ड्यूप्लेक्स है, एक ड्यूप्लेक्स की छत आपको मेरे ठीक बगल में दिखाई दे रही है और एक ड्यूप्लेक्स जिसपे हम खड़े हैं यानी कि 15x60 पे हम खड़े हैं। बगल वाला जो ड्यूप्लेक्स है वो भी 15x60 है। दोनों दो मंजिल के बने हुए हैं, डबल स्टोरी बने हुए हैं। ये हम उसकी छत पे खड़े हुए हैं दोस्तों। और जैसा कि आप इसके आसपास लोकेशन देख रहे हैं वो सामने आपको उधर पनकी पावर हाउस दिखाई दे रहा होगा मेरे लेफ्ट साइड पे। और ये आपको पार्क दिखाई दे रहा है सामने, इसी प्रॉपर्टी के पास में एक आपको पार्क भी मिल जाता है वॉकिंग वगैरह करने के लिए, सुबह की सैर करने के लिए आपको एक पार्क मिल जाता है। यहाँ पे इंडियन ऑयल भी पास में ही है, सारी चीज़ें यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। जो जहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ से उस मेन रोड की दूरी 50 से 60 मीटर की है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी KDA की ज़मीन पे बनी हुई है। ये पूरा एरिया जो है वो KDA द्वारा डेवलप किया हुआ है, ये फ्री होल्ड है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेते हैं और अगर आपको लोन की भी ज़रूरत है तो इस प्रॉपर्टी में आपका लोन भी आसानी से हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं तो ये नीचे आपको हमारा नंबर दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस आपको ये जो हमारी वेबसाइट नज़र आ रही है इसके थ्रू भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे पेज पर अगर आप पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।